आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं, आशा है आप सब लोग उपस्थित हो गए होंगे। कल हम लोगों ने पैंक्रियाज के बारे में चर्चा की थी। पैंक्रियाज ग्रंथि क्या है, इसके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इसके बारे में एक बृहद से चर्चा की थी। आज हम कुछ वातव व्याधि, छोटी छोटी वातव व्याधि, कोष्ठक शीर्ष, वात कंटक, पाद हर्ष, ये हमारे चिकित्सा की ओपीडी में निरंतर ऐसे पेशेंट आते रहते हैं, उनमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस में बृहद वात चिंतामणि दे सकते हैं क्या? हालांकि बृहद वात चिंतामणि उष्ण वीर्य है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमेशा शीत वीर्य औषधियां देना चाहिए, लेकिन इसमें ऑस्टियो में यदि आम का अनुबंध है, थोड़ा शोथ है, ऐसी अवस्था में बृहद वात चिंतामणि दे सकते हैं। अन्यथा ऑस्टियोआर्थराइटिस में शीत वीर्य, जैसे योगेंद्र रस का प्रयोग हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं। डॉक्टर दीप्ति पाठरकर जी, 3 साल का फीमेल बच्चा है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, कैस्टर ऑयल बच्चा है, नहीं ले सकता। ऐसी अवस्था में 2 अंजीर अच्छी तरह पानी में भिंगो कर, पीस करके, दूध में मिला करके इसका सेवन कराएं। सुबह मुनक्का, 5 मुनक्का, 5 से 10 मुनक्का लेकर के अच्छी तरह बारीक पीस लें, दूध में मिला के पिलाएं, और रात को सोते टाइम 2 अंजीर पीस करके दूध में मिला कर पिलाएं। इससे कॉन्स्टिपेशन उसका जाता रहेगा। डॉक्टर विक्रम सिंह मीणा, 55 साल का मेल पेशेंट है, राइट किडनी आर्टरी में ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर भी है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, रीनल आर्टरी ब्लॉक, इसको हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्टरी सिकुड़ जाती है, स्टेनोसिस हो जाता है, जिससे बरोबर ब्लड की सप्लाई किडनी को नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसलिए किडनी के सेल्स डेथ होना प्रारंभ कर देते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड दी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इज द नैरोइंग ऑफ वन और मोर आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू किडनीज। एक आर्टरी में या 2 आर्टरी में ऐसे ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाते हैं, क्लॉट के कारण हो सकता है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ये हो सकता है, इसके कारण ये रोग होता है। लक्षणों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अचानक बढ़ जाता है, और ये व्याधि ज़्यादातर बिफोर एज 30 और आफ्टर एज 50, 30 के पहले या 50 के बाद ये रोग हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी की छानने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, इसलिए प्रोटीन का लेवल रक्त में बढ़ जाता है, किडनी के फंक्शन में भी इफ़ेक्ट हो जाता है। अधिक मात्रा में एल्ब्यूमिन निकलने लगता है, चूँकि फ्लूड पूर्ण रूपता बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए शरीर में फ्लूड का ओवरलोड हो जाता है, जिससे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, और कभी कभी हार्ट फेलियर जैसे लक्षण भी प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में
मैंने आपको ब्लॉकेज हटाने के लिए एक योग बताया था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। नींबू सोरस 100 ml, अदरक सोरस 100 ml, लहसुन सोरस 100 ml और एप्पल का सिरका 100 ml। तो इस तरीके से 100 ml सब ले करके पकाइए, आधा शेष रहे 200 ml शेष रहे तब तक पकाएं धीमी आंच में, और 200 ml शहद मिला करके इसको सुरक्षित रख लें। एक एक चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करें, इससे आर्टरी में यदि ब्लॉकेज है तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें पेशेंट में विरेचन करा दीजिए, अपान वायु की विकृति है ये, त्रिफला घर से या मूर्छित तिल तेल से आभ्यंतर स्नेह पान करा के विरेचन करा दीजिए। विरेचन करने के पश्चात लेखन वस्ति का प्रयोग करें, लेखन से जो डिपोजिशन है वो खत्म हो जाता है। लेखन वस्ती मैंने कई बार बताई है आपको, उसका आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा शोथारी लौह 250 mg, पूर्णानुवा मंडूर 125 mg, तृणकांत पिष्टी रस 250 mg दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ सेवन कराएं। चंद्र प्रभावती गोक्षुरादि गुगुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार। इस तरीके से चिकित्सा करने पर निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उनका प्रश्न है, अस्थि मज्जा धातु की शुद्धि और पुष्टि के उपाय बताएं। विविध शतापति अध्याय सूत्र स्थान 28 चरक में रसज रक्तज मांसज आदि के चिकित्सा सिद्धांत बताया है, वहां पर अस्थि रोगों के लिए बताया है, अस्थ्यास्याणाम व्याधिनाम पंचकर्माणि भेषजम्। पंचकर्म का प्रयोग अस्थि रोग में करना चाहिए और इससे अस्थि का पोषण भी होता है, तो पंचकर्म श्रेष्ठ है। इसके अलावा तिक्त वर्ग की औषधियों से सिद्धित दुग्ध या स्निग्ध का पान कराएं, यह अस्थि रोग के लिए बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा है। पंचतिक्त से सिद्ध कर लें घृत को, पंचतिक्त घृत इसका प्रयोग करें 10 ग्राम सुबह शाम भोजन के 1 घंटे पहले, या पंचतिक्त सिद्धित दूध का सेवन करें। ऐसी अवस्था में क्षीर वस्ती भी लगाई जा सकती है, पंचतिक्त क्षीर वस्ती, ये अस्थि और मज्जागत दोनों के लिए लाभकारी है और पोषणकारी है। मज्जागत में विशेष रूप से मधुर और तिक्त पदार्थ, देखिए अस्थि रोग में सिर्फ तिक्त पदार्थ, लेकिन मज्जागत रोग में मधुर और तिक्त पदार्थों से सिद्धित दुग्ध या स्नेह का सेवन कराना चाहिए और उचित काल में शोधन कराना चाहिए। उचित काल का मतलब है बसंत ऋतु आए तो वमन करा दें, शरद ऋतु आए तो विरेचन करा दें, प्रावर्त ऋतु में वस्ती का प्रयोग करें। इस तरीके से अस्थि और मज्जा में पोषण का कार्य होता है। इसके अलावा आमलक्य आदि अवलेह या आमलक्य आदि चूर्ण, आमल की चूर्ण इसका सेवन कराएं, ब्राह्मी अवलेह का सेवन कराएं 5 ग्राम दिन में 2 बार, तो अस्थि का पोषण इसमें जरूर होगा। इसके अलावा अमृतादि गुगुल का रोल भी अस्थिगत और मज्जागत रोगों में होता है, उसकी पुष्टि के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ है तिक्त और मधुर औषधियों से सिद्धित स्नेह और घृत का पान, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और क्षीरवस्ती देंगे तो दोनों व्याधियों में पोषण होगा, दोनों व्याधियां ठीक होगी, दोनों व्याधियां मतलब अस्थिगत और मज्जागत व्याधियां ठीक होगी और इनका पोषण भी होगा। डॉक्टर दीप्ति पाठरकर,
इन्होंने सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट पूछा है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल लगभग ट्रीटमेंट सामान्य है। सबसे पहले पंचकोल काढ़ा चालू कर दें, 30 ml भोजन के पूर्व दोनों टाइम देते रहें, इसको लगातार देवें। इसके साथ साथ महायोगराज गुगलू, सिंहनाद गुगलू दो दो गोली दिन में दो बार, औषधियों में वाद गजांकुश रस 125 mg, बृहद्वा चिंतामणि 60 mg, एकांग वीर रस 125 mg, ये दिन में दो बार शहद के साथ सेवन कराएं। महारासनादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद। पंचकर्म से संबंधित इसमें दीपन पाचन औषधि देने के बाद मृदु शोधन करा दें, तो कैस्टर ऑयल से एरन तेल करीब 40-50 ml, 50 ml और 50 ml दुग्ध लेकर के प्रातःकाल खाली पेट में ले दें और 3 दिन का संसर्जन कम कर दें। उसके बाद इसमें ग्रीवावस्थी और लंबर रीजन में कटिवस्थी, अश्वगंधा बलादि तेल, सहचर तेल या दशमूल तेल से सर्वाइकल रीजन में ग्रीवावस्थी, लंबर रीजन में कटिवस्थी। इसकी विधि विधान कई बार मैं बता चुका हूँ, नहीं तो आप किताब में, मेरी किताब में आप देख सकते हैं। फॉलोड बाई पत्रपिंडश्वेत, कटिवस्थी के बाद या ग्रीवावस्थी के बाद पत्रपिंडश्वेत जरूर करना चाहिए, इससे रोगी को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। वस्ती का प्रयोग भी इसमें लाभप्रद है। अगर आम कानबंध दिखे, थोड़ा बहुत स्वेलिंग हो, तो एरंड मूल आदि वस्ती का प्रयोग निरोह के रूप में करें और अनुवासन वस्ती के रूप में दशमूल तेल का प्रयोग श्रेष्ठ है। लेकिन आम कानबंध ना हो तो सिर्फ अनुवासन वस्ती ही देना चाहिए। ये पूरा ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर के एन गंगवाल हाइपरथायरॉयडिज्म की चिकित्सा के बारे में और संधिवाद की चिकित्सा के बारे में पूछा है। हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसा मैंने कई बार बताया है, पित्त का अनुबंध रहता है, इसलिए इसमें विरेचन कराना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से पहले वमन कराएं, फिर विरेचन कराएं। त्रिफला घरात से अभ्यंतर स्नेहपान, त्रिफला घृत से अभ्यंतर स्नेहपान, फिर विरेचन और वमन, इसकी विधि मैंने कई बार आपको बताई है। इसके अलावा लेखन वस्ती इसमें देवे, लेखन वस्ती इसमें काम करेगी। और जो मैंने जलकुंभी का भस्म, जलकुंभी के पत्ते एकत्रित करके सुखा लीजिए और जला दीजिए और 1000 mg के कैप्सूल बना लीजिए, 2 कैप्सूल सुबह शाम 3 महीने तक लगातार देवे। इसके अलावा गोक्षुरादि गुल, कांचनादि गुल दो दो गोली देने दो बार सेवन कराएं। औषधियों में शिलाजित आदि लौह, शोथारी लौह 250-50 mg, टंकण भस्म 250 mg, दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको अभी 2 दिन पहले ही हमने चर्चा की है, जब साइनवल फ्लूड जॉइंट्स में कम हो जाता है तो घर्षण में कटकट की आवाज़ आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं इसको। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स में 55 साल के ऊपर ये व्याधि होती है। इसमें जानुवस्ती, जानुधारा, पत्रपिंडश्वेत ये निरंतर करना चाहिए। शुद्ध शिलाजीत 500 mg दुग्ध के साथ सुबह शाम देवे। अश्वगंधा 100 ग्राम, सुंठी 50 ग्राम, 25 ग्राम पिपली, तीनों को मिलाकर के एक एक चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन करा सकते हैं। रस औषधियों में योगेंद्र रस 60 mg, महावाद विध्वंसन 125 mg और पुराल पंचामृत 125 mg,
दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा महायोग राजगुरु और पंचतिक्त क्षीरवस्ती, ये भी बड़ी उपयोगी है। पंचतिक्त औषधियों से क्षीर को सिद्ध कर लीजिए और इससे वस्ती आप दें, इससे बड़ा लाभ संधिवात में प्राप्त होता है। डॉक्टर विकास चौधरी, इन्होंने काला मोतिया के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। जैसा कि आप जानते हैं, काला मोतिया को ग्लोकोमा कहा जाता है। संबंधित नेत्र विकारों के समूह है ये एक प्रकार का, और ये असाध्य व्याधि है। मजेदार बात यह है कि इसके लक्षणों का पता नहीं चलता है। ये धीरे धीरे डेवलप होता है और ऑप्टिक नर्व में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, डिजनरेशन पैदा कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिक नर्व आँखों की रेटिना से प्रारंभ होकर के मस्तिष्क में जाती है और जो पिक्चर बनती है रेटिना में, उसकी जानकारी मस्तिष्क को ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही दी जाती है। लेकिन जब ऑप्टिक नर्व का डिजनरेशन हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है आँख की, वो प्रभावित होती है। इसमें लक्षणों में वेदना नहीं होती है, धुंधली दृष्टि, रोशनी के आसपास आभा मंडल, प्रभा मंडल दिखाई देता है, आंखों में कभी कभी दर्द होने लगता है, वमन और हल्लास की प्रवृत्ति भी पाई जा सकती है। जैसा मैंने बताया, ग्लोकोमा या काला मोतिया असाध्य की श्रेणी में आता है। एलोपैथिक में इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है, लेकिन कई बार ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होता है। आयुर्वेद में सबसे पहले तो त्रिफला जल से प्रातःकाल अच्छे छींटे आँखों में मारना चाहिए, शाम को और सुबह दोनों टाइम। इससे रोगी को बड़ा आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा 5 ग्राम त्रिफला घृत या 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 5 ग्राम शहद और 10 ग्राम घृत, इन तीनों को मिला करके सुबह शाम पीना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 5 ग्राम त्रिफला, 5 ग्राम शहद, 10 ग्राम घृत, तीनों को मिला लें और एक एक चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करें। अमल की रसायन, अमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ, ये भी बहुत ही उपयोगी है। ब्राह्मी अवलेह 5 ग्राम दिन में 2 बार, ये भी इसके लिए कारगर है। अमल की रसायन या अमल के आदि अवलेह कोई भी प्राप्त हो उसका सेवन आप कराएं पेशेंट को। इसके अलावा शताब्दी चूर्ण और मुलहठी, शतावरी और मुलहठी बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें, एक एक चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक और अनुभूत योग है, हालांकि पेशेंट को थोड़ा कष्ट होता है, इसमें नींबू सुरस 10 ml, अदरक सुरस 10 ml और सफ़ेद प्याज का सुरस 10 ml। फिर से रिपीट करता हूँ, निम्बू सुरस 10 ml, अदरक सुरस 10 ml, सफ़ेद प्याज का रस 10 ml, तीनों 30 ml हो गया। अब इसमें 30 ml शहद मिला दीजिए और किसी शीशे में भर लीजिए और एक बूंद प्रातः एक बूंद शाम को डालें। यदि अर्ली स्टेज का ग्लूकोमा है तो निश्चित रूप से इस चिकित्सा को 20-21 दिन करने पर 100% ठीक हो जाता है, तो इसका प्रयोग आप पेशेंट को करें। इसके अलावा सप्ताम्रत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया, ऐसे दिन में 2 बार त्रिफला घृत के अनुपान के रूप में प्रयोग करें। त्रिफला घृत के साथ त्रिफला घृत 10 ग्राम ले लें
और सप्ताह में 250 प्रवाल पृष्ठि 250 दिन में दो बार इसका प्रयोग करें। यह आंखों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें अक्षी तर्पण, क्योंकि ऑप्टिक नर्व का डिजेनरेशन हो जाता है, इसलिए अक्षी तर्पण भी इसमें बहुत ही लाभप्रद होगा। अक्षी तर्पण की विधि आपको मालूम है, उड़द दाल का घेरा दो अंगुल आंखों की तरफ बनाएं और उसमें त्रिफला घृत श्रेष्ठ है। इसके अलावा शतावरी और मुलहटी से सिद्धित घृत भी आप तैयार कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। धारण काल 10 मिनट, 10 मिनट तक आप धारण करें। आंख को ब्लिंक करना चाहिए, बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। और एक बार आपने जो घृत प्रयोग किया उसका दूसरी बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंख बहुत सेंसिटिव अंग है, इन्फेक्शन यदि हो गया तो पेशेंट को और भी तकलीफ हो सकती है। तो इसका भी आप ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम आधा कप दूध में मिला करके सेवन कराएं, यह भी बड़ी लाभप्रद चिकित्सा है। इसके अलावा जो पोषण द्रव्य हैं, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, इसका सेवन आपको नित्य प्रतिदिन करना है। रात्रि को भिगो दीजिए 4 बादाम 4 अखरोट और सुबह बढ़िया चबा चबा के खाइए, ऊपर से दूध पीजिए। डॉक्टर अनुराधा जी का प्रश्न है, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट पेशेंट्स ब्लड शुगर की वैल्यू होती है, हाउ टू डिसाइड द डोज ऑफ द बसंत मालती रस, स्वर्ण बसंत मालती रस, बसंत कुसुमाकर रस। तो नॉर्मल से यदि अबव है तो आपको 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम स्वर्ण बसंत मालती बसंत कुसुमाकर देना चाहिए, और एवरी 20 डेज 15 डेज में टेस्ट कराते जाएं। क्योंकि ये मैंने देखा है कि बसंत कुसुमाकर ब्लड शुगर को लो नहीं करती है, इसलिए कोई इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम दिन में दो मात्रा आप दे सकते हैं। इसके साथ त्रिवंग भस्म 250 और सलज इत्यादि लौह 250 भी आप दे सकते हैं। और मैं हमेशा जो बताता हूँ, मामज्जक घनबटी, गुड़मार घनबटी, ये भी आप दे सकते हैं। 200 के ऊपर है तो दो दो गोली दिन में तीन बार देवें, 200 के नीचे है तो दो गोली सुबह शाम को देवें। ऐसा ही 200 ग्राम से नीचे है तो 60 मिलीग्राम की मात्रा और उससे ऊपर है तो 125 मिलीग्राम की मात्रा बसंत कुसुमाकर की देनी चाहिए। आनंद राव जी ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, स्थूल रोग या मेदो रोग। गुरु चाप तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कृष्णम प्रति कृषाणाम ब्रह्मणार्थम च लघु संतर्पणम च तत्, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें अपतर्पण चिकित्सा करना है, लघु संतर्पण चिकित्सा करना है। सब लोग लेखन वस्ती की प्रशस्ति बोलते हैं कि लेखन वस्ती से लाभ हो जाता है, मैंने भी लेखन वस्ती लगाई। पेशेंट बोलता है कि मेरे को हल्का लगा है लेकिन वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर जिनका आपने संपूर्ण पंचकर्म कराया है, विधिवत वमन कराया है, विधिवत विरेचन कराया है, विधिवत लेखन वस्ती दी है, तो निश्चित रूप से मेदो रोग में लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मूर्छित तेल तेल से आप भयंतर स्नेहपान करा लें, उसके पहले दीपन पाचन औषधियाँ दें 5 दिन तक। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक आप भयंतर स्नेहपान करें, उसके पश्चात 1 दिन स्वेदन और फिर वमन करा दें। वमन कराने के बाद संसर्जन क्रम, फिर विरेचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान 3 दिन बड़ी हुई मात्रा में, 3 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, और उसके बाद वमन के 15वें दिन विरेचन करा देना चाहिए। उसके बाद लेखन वस्ती देवें। त्रिफला क्वाथ गोमूत्रम क्षौद्र क्षारम समन्विता
पूस्कारि प्रतिवापाह वस्तयोः लेखनः स्मृता, कम से कम 16 वस्तियों का जो काल वस्ती क्रम है वो जरूर देवे। इसमें अनुवासन आस्थापन के बाद लगाना आवश्यक नहीं है, जैसा कि कालवस्ती कर्मवस्ती में बताया गया है। आप प्रारंभ में एक अनुवासन लगा दें दसमूल तेल की या सैंधवारी तेल की, और अंत में एक सैंधवारी तेल या अनुवासन वस्ती लगा दें, और बीच में सारी जो लेखन वस्ती है उसका ही आप प्रयोग करें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ होगा। साथ ही साथ त्रिफला चूर्ण, वायविडंग और नागर मुथा, इनका चूर्ण तैयार कर लें और एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। टैबलेट ओबेनिल 2-2 गोली दिन में 2 या 3 बार, मेदोहर गुग्गुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और साथ साथ में जो योगा अभ्यास है या पैदल चलना है इसका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि जितनी कैलोरी आप खाएंगे उतनी कैलोरी नष्ट होना चाहिए, और ये योग के माध्यम से या कम से कम 2-3 किलोमीटर रोजाना तेज गति से चलें, इससे आधा लाभ होगा। और आधा लाभ होता है निदान परिवर्जन, आपके खान पान में सुधार होना चाहिए, फैटी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट इसका सेवन बिल्कुल न करें, जैसे कि बेसन, मैदा, फास्ट फूड, जंक फूड, इनका सेवन, मिठाइयों का सेवन बिल्कुल न करें, हल्का खाना खाएं। हो सके तो रात को खाना न खाकर सिर्फ लौकी की सब्जी खाएं और कुछ न खाएं, इससे ही आपको बहुत, आप देखेंगे 2-3 महीने के अंतर्गत आपका पेट भी कम हो जाएगा और वेट भी कम हो जाएगा। दोपहर में 1 या 2 रोटी खाएं, सलाद खाएं, कोई ऐसा गरिष्ठ भोजन न करें, बेसन की चीज़ें या बेसन की सब्जियां नहीं होना चाहिए खाने में। इस तरीके से यदि आप परहेज करेंगे तो निश्चित रूप से आप ओबेसिटी में जीत सकते हैं। अब आइए, हमारे चिकित्सक जो जुड़े हुए हैं साथ में, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर लीलाधर साहू, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह मीणा, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, डॉक्टर संजू लता, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर राजश्री गीते, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर नीलम शुक्ला जी, डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर अरुणा शर्मा, डॉक्टर आर बी प्रजापति, डॉक्टर के एन गंगवार जी, डॉक्टर गौरव शर्मा, डॉक्टर मंजूश्री साहू, डॉक्टर रेणु पांडे, डॉक्टर कृष्णा सागर, डॉक्टर अनुराधा रेड्डी, डॉक्टर प्रवीण हरवंश, शिल्पा पालस्कर जी, मनीष खरे जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, आज उनसे टेलीफोन पर चर्चा हुई उनके एक पेशेंट के बारे में, डॉक्टर विनय मित्तल जी और डॉक्टर संध्या पांडे। तो इन लोगों से प्रतिदिन अभिवादन के माध्यम से मुलाकात होती है, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, देखते हैं, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। अब आइए, कोष्ठक शीर्ष, वातकंटक और पादहर्ष, ये छोटी छोटी व्याधियां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चिकित्सा के बारे में भी चर्चा करेंगे। कोष्ठक शीर्ष नाम से स्पष्ट है, कोष्ठक का मतलब होता है एक जानवर होता है, जंगली जानवर जिसको शशक बोलते हैं या बोलचाल की भाषा में सियार बोलते हैं, तो उसका जो सिर होता है उसके आकार का जानु संधि में शोफ हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा कोष्ठक शीर्ष। आधुनिक मतानुसार इसे साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट, साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी ज्वाइंट कह सकते हैं। इसमें वात और रक्त की प्रधानता होती है, वात एवं रक्त प्रकुपित होकर के
जानुसंधि में अवस्थित होकर कोष्ठक शीर्ष की रोग की उत्पत्ति करता है, यानी इसमें दोष है वात और रक्त। वात एवं रक्त से दूषित होने वाली एक व्याधि है वात रक्त। वात रक्त में भी वात और रक्त दूषित होता है, लेकिन वात रक्त में सभी संधियां प्रभावित हो सकती हैं, परंतु कोष्ठक शीर्ष में केवल जानु संधि में शोत होता है, और वो भी यूनिलेटरल, दोनों में नहीं होता है। अगर दोनों में शोत होती है तो वो आम वात के लक्षण जैसे उत्पन्न होंगे। आधुनिक मतानुसार विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण के कारण उत्पन्न होते रोग हैं, जैसे पूर्वमेह, उपदंश, पूर्वमेह और उपदंश, इसकी भी तुलना हम कोष्ठक शीर्ष से कर सकते हैं। वात सोणजो सोथो जानु मध्य महारुजा गेय कोष्ठक शीर्षस्तु स्थूल कोष्ठक शीर्षवत्। इसकी चिकित्सा के बारे में, जो वात रक्त की चिकित्सा है, जो वात रक्त सामक चिकित्सा है, वही चिकित्सा इसकी भी है। इसमें अभ्यंग में सैंधवादी तैल, विषगर्भ तैल, निर्गुंडी तैल का ही प्रयोग करना चाहिए, और हल्के हाथों से अभ्यंग करें। और आम का अनुबंध ज़्यादा हो या अभ्यंग से रोगी को कष्ट हो तो रूक्ष स्वेदन करना चाहिए, बालुका स्वेद। उपनाह स्वेद भी इसके लिए लाभप्रद है। उपनाह स्वेद में आप दशमूल के द्रव्य और दशांग लेप, ये 20-20 ग्राम ले लें दोनों, और आधा कप पानी, 2 चम्मच सरसों का तेल और 2 चम्मच घृत मिला करके धीरे धीरे गर्म करें और लेप तैयार करें, और इस लेप को शाम को या सुबेरे जानु प्रदेश में लगा लें जहाँ पर शोथ है, और एक पट्टी भी बांध लें, लेकिन पट्टी इतनी घन ना हो कि हवा का आना जाना ना हो, सिर्फ एक ही बार लपेटिए ताकि जो औषधि है वो गिर ना पाए। ये रोजाना रात्रि में करें, रात्रि भर बना रहने दें, इससे रोगी को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, चिकित्सा में देखें तो वात रक्त क्रियाभिश्च जयेज अम्बु मस्तकम, माने वहाँ पर वात रक्त का जो क्रिया है वो वात रक्त नाशक चिकित्सा ही इसमें हमको करना है। इसमें रक्त मोक्षण श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। रक्त मोक्षण जलौका से कराएं, रोजाना आप दे सकते हैं या हर दूसरे दिन में रक्त मोक्षण कराएं, 7 सिटिंग करें, इससे तत्काल रोगी को लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एरंड मूल आदि बस्ती और सहचर बस्ती अनुवासन के रूप में, एरंड मूल आदि बस्ती इसको लगाएं, लेकिन उसके पहले सहचर तैल या सैंधवादि तैल की अनुवासन बस्ती लगाएं, और फिर क्रमशः एक अनुवासन एक आस्थापन के रूप से एरन मूलादि बस्ती, ऐसे 16 बस्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि यह बड़ा तकलीफ देह होता है और बहुत दिन तक ये सूजन बनी रहती है, इसलिए निरंतर ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। जलव का उच्चारण जैसे मैंने बताया, सिरावेद भी आप कर सकते हैं। निम्बादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ आप दें। पटोलादि क्वात या अमृतादि क्वात 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम आप देवें। पटोलादि क्वात का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आसोरिष्ट में अमृतारिष्ट और दशमूलारिष्ट, अमृतारिष्ट 2 चम्मच, दशमूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद आप सेवन करें। गुरुच्यादि या निर्गुंडी तैल, निर्गुंडी या गुड़च्यादि तैल का अभ्यंग के रूप में प्रयोग करें, और इसी का प्रयोग पत्रपिंड स्वेद में भी करें, और पत्रपिंड में स्वेद में जो पत्र लेंगे उसमें अरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र, अर्क पत्र, अड़ूसा
इन पत्तों के द्वारा आप पत्र प्रिंट श्वेत तैयार करें। तैलों में मैंने बताया आपको गुड़च्यादि तैल या सैंधवादि तैल का प्रयोग भी आप पत्र प्रिंट श्वेत के लिए कर सकते हैं। गूगल में पुनर्नवा गुग्गुलु, अमृतादि गुग्गुलु, गोक्षरादि गुग्गुलु और लाक्षादि गुग्गुलु, ये चार प्रकार के गुग्गुल हैं। इनका क्रमशः आप प्रयोग दो दो गोली की मात्रा में कर सकते हैं। और जो योग मैं हमेशा संधिवाद के लिए बताता हूँ, अश्वगंधा 100 ग्राम, सुंठी 50 ग्राम, पिपली 25 ग्राम, ये चूर्ण तैयार कर लें और एक एक चम्मच दिन में दो बार देवें। 10 दिन ये देवें, 10 दिन पंचकोल चूर्ण दें, पंचकोल चूर्ण अथवा पंचकोल काढ़ा, ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें औषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, दिन में दो या तीन बार इसका सेवन कराएं, इससे निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होता है। अब आइए वात कंटक। वात कंटक एंकल स्प्रेन, इसको हम लिगामेंट सिंड्रोम भी कह सकते हैं। वात कंटक एक सामान्य लक्षण है जो प्रायः चोट लगने से, गिर जाने से या असमतल भूमि में चलने से गुल्फ संधि में मोच आ जाता है और इसी को वात कंटक कहते हैं। पैर के टेढ़ा रखने से अथवा अधिक श्रम करने से प्रकुपित वात गुल्फ संधि में वेदना को उत्पन्न करती है, इसे ही वात कंटक कहते हैं। चलते समय अत्यधिक वेदना होती है। रुक पादे विस्मन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा वाते गुल्फों मासे तमाहुर वात कंटकम, सामान्य भाषा में इसको मोच लगना या लिगामेंट सिंड्रोम भी इसका नाम दिया जा सकता है। इसमें पुनः पुनः रक्तमोक्षण करना चाहिए। रक्तमोक्षण से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। और एरंड तैल का पान डेली 15 ml एरंड तैल और लगभग 30 ml दुग्ध में मिला करके प्रातः खाली पेट में रोज आना 15 दिन तक इसका सेवन कराएं, इससे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसमें अग्निकर्म का भी बड़ा रोल है। अग्निकर्म भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल क्रिया है ये। अग्निकर्म से तत्काल रोगी को लाभ प्राप्त होता है। औषधियों में सिंहनादि गुग्गुलु, अमृतादि गुग्गुलु या लाक्षादि गुग्गुलु, सिंहनादि, अमृतादि या लाक्षादि, दो दो गोली दिन में दो बार आप प्रयोग करें। इसमें पत्रपिंड श्वेत से भी लाभ प्राप्त होगा। इसमें अड़ूसा का पत्ता, अर्क, निर्गुंडी, हिरण्य पत्र, इनसे पत्रपिंड तैयार करें। तैलों में आप सैंधवादि तैल या गुड़च्यादि तैल का प्रयोग करें। अजमोदादि चूर्ण और पंचकोल चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण 2.5 ग्राम, पंचकोल चूर्ण 2.5 ग्राम, दिन में दो या तीन मात्रा इसका प्रयोग करें, इससे भी बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। औषधियों में मल्ल सिंदूर 60 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। तो इस तरीके से वात कंटक के बारे में आवश्यक जानकारी मैंने आपको दी। पाद हर्ष जिसको टिंगलिंग सेंसेशन इन द फीट, इसका नाम हम दे सकते हैं। वात और कफ प्रकोपक आहार के सेवन करने से प्रकोपित वात दोष कफ के साथ मिलकर के पादहर्ष रोग की उत्पत्ति करता है, यानी ये वात कफज व्याधि है। हर्षते चरणों यस्य भवेताम चाप शुद्धकौ पादहर्षः स विज्ञेयः कफवात प्रकोपतः, सामान्यतः टिंगलिंग सेंसेशन को पादहर्ष कहा जाता है। आधुनिक मतानुसार इसको जो पेरिफेरल नर्व्स की विकृति होती है उससे तुलना हम कर सकते हैं। सुपरफिशियल सेंसेशन समाप्त हो जाता है, पेरिफेरल नर्व्स के
डिफेक्ट होने से, इसे ही पादहर्ष कह सकते हैं। लक्षणों में पादहर्ष, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरों में शून्यता, नंबनेस ऑफ द फीट, ये प्रमुख तीन लक्षण पादहर्ष में पैदा होते हैं। चिकित्सा में वात एवं कफनाशक चिकित्सा करना है। यष्टि मधु और पिपली चूर्ण, यष्टि मधु 5 ग्राम, पिपली चूर्ण 5 ग्राम, दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा योगराज गुल, सिंहनाद गुल, 2-2 गोली दिन में 2 बार। अग्नितुंडी वटी का भी इसमें लाभ होता है। अग्नितुंडी वटी 2 गोली सुबह शाम आप दे सकते हैं। औषधियों में रसराज रस 60 मिलीग्राम, स्लेज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, ये पूरी तैयार कर लें। दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन रोगियों को कराएं। आसो अरिष्ट में अभ्यारिष्ट, दसमूल अरिष्ट, अभ्यारिष्ट 2 चम्मच, दसमूल अरिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद आप सेवन कराएं। दशमूल क्वाथ, दशमूल क्वाथ में त्रिवर चूर्ण 5 ग्राम डाल दें, दशमूल काढ़ा तैयार कर लें और 5 ग्राम त्रिवर्त चूर्ण डाल दें और इसका सेवन प्रातःकाल खाली पेट में कराएं। यह भी बहुत ही यूनिक चिकित्सा है जिसमें वात और कफ और आम का अनुबंध होता है, उसके लिए यह बड़ी उपयोगी चिकित्सा है। इस तरीके से आज अपन ने कोष्ठकशीर्ष, वातकंटक और पादहर्ष के बारे में चर्चा की और जो मेरे अनुभव है मैंने आपको बताए। आशा है आपको ये लाभान्वित करेंगे, आप इसका जरूर प्रयोग करें। आप समय निकाल करके ये कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय आयुर्वेद। हेलो हेलो हेलो।